जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, फिर आप महावना इंस्टीट्यूट का रेगुलर लाभ ले सकेंगे। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। एक चीज आप समझ लीजिए, कॉस इनवर्स से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन 13π/6 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में नहीं है। इसको प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में करने के लिए देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस इनवर्स कॉस, अगर इसको 2π + π/6 कर दे, जरा देखिए ये हो जाएगा 12π + π, 13π/6 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ये हो गया कॉस इनवर्स, और देखिए फार्मूला कॉस 2π + θ इजकल टू कॉस थीटा होता है, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और ये हो जाएगा कॉस 2π + θ यानी π/6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा π/6। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आप देखें, ये दिया हुआ है tan 7π/6। अब इसको भी सॉल्व करना है तो आप अगर देखें तो 7π/6 जो है ये भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो फिर देखें अगर tan इनवर्स और इसको हम tan π + π/6 कर दें, जरा देखिए 6π + π हो जाएगा 7π/6, तो फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π + θ। देखिए ये फार्मूला इसका यूज होगा, तो tan π + θ होता है tan θ, यानी ये हो जाएगा tan π/6, फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका π/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए दिया हुआ है प्रूफ दैट, यानी इसको प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 sin inverse 3/5 इजकल टू 10 inverse 24/7। तो एक काम करते हैं कि लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट में 2 sin inverse x को देखिए, 2 sin inverse x को sin inverse 2x √1 − x² वाले फार्मूले पर हम सबसे पहले 2 sin inverse को sin inverse के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद जब ये sin inverse में कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करके हम tan inverse के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये है 2 sin inverse 3/5। तो चले देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो गया sin inverse 2x के जगह पे 3/5, और फिर ये हो जाएगा √1 − x² यानी 3/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखे क्या मिल रहा है, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 6/5, और इसको सॉल्व करते हैं ये देखिए 25 − 9
16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 24/25 हो जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमने साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किया, ये साइन इनवर्स 24/5 हो गया। अब हम साइन इनवर्स यक्स को टैन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखिए फार्मूला, ये हो जाएगा टैन इनवर्स, ये 24/25 जो है ये एक्स की वैल्यू है, ये हो गया 24/25 माइनस अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 24/25 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका टैन इनवर्स 24/25 और देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये क्या मिलता है। ये देखिए, इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 24 का स्क्वायर और फिर नीचे हो जाएगा 25 का स्क्वायर। फिर एक स्टेप और हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया टैन इनवर्स, ये हो गया 24/25 और यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25/24 और इनटू हो जाएगा 25-24 अपान हो जाएगा 25 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ हम करते हैं, अब ये हो गया आपका टैन इनवर्स 24/25 और फिर देखिए क्या मिलेगा, 25/24 ये हो जाएगा 49 और 25-24 1 हो जाएगा और ये हो गया 25 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखें सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या मिलती है, ये हो गया टैन इनवर्स 24/25 और ये देखिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर है तो 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका टैन इनवर्स 24/25, सॉल्व करेंगे 25 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, फिर 24 से 24 कैंसिल हो गया, ये हो गया टैन इनवर्स 24/7। तो यही हमको सॉल्व करना था, हमने LHS सॉल्व किया और RHS आ गया। फिर यहाँ लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड, ये हमको सॉल्व करना था, प्रूफ करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू टेन इनवर्स 77/36। तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फार्मूले का यूज करते हैं और देखिए साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजकल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। याद रखे रहिएगा, एक्स के जगह पे 8/17 है और वाई के जगह पे 3/5 है। अब ये वैल्यू साइन इनवर्स के रूप में आ जाएगी और फिर साइन इनवर्स को हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए हम LHS सॉल्व कर रहे हैं और LHS साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स के जगह पे 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पे 3/5 है तो 3/5 का करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब प्लस वाई हम कर देते हैं, वाई के जगह पे 3/7 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखें, चलिए देखते हैं, ये x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई वाई की वैल्यू है 3/5, ये x अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे 8/17 है, तो 8/17 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17, इसको ज़रा देखिए 25-9 ये हो जाएगा 16 और 16/25 तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 प्लस हो गया 3/5 और ज़रा यहाँ देखिए क्या मिलता है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 289 माइनस 64 तो 289 माइनस 64 225 और 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 हो जाएगा और 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/4 = 32 हो जाएगा और ये हो गया आपका 85 प्लस ये हो गया 75 और ये हो गया आपका 85। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 107 हो जाएगा और फिर नीचे हो जाएगा 85। अब ये जो साइन इनवर्स है, अब इस साइन इनवर्स को हमको बदलना है, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपने फार्मूला देखा है कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू टैन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स यक्स के जगह पे 107/85 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1/1 माइनस 107 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 85 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये टाइन इनवर्स 77/36 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक दो स्टेप में हो जाएगा, इसके बाद ये टाइन इनवर्स 77/36 हो जाएगा। यही हम लोगों को LHS में सॉल्व करना था और RHS आ गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो इसके लिए देखिए इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर LHS सॉल्व करते हैं और ये है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, हम यहाँ कर लेते हैं या चलिए नीचे ही करते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, एक्स यानी 4/5 सॉरी एक्स इंटू वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा और फिर 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये देखें 12/4 = 48 हो गया और 13/5 = 65 हो गया माइनस, अब इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं,
25 माइनस 16 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। फिर ये देखिए 169 माइनस 144 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 13। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ये 48 अपॉन 65 माइनस ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो गया आपका 65। फिर ये हो गया आपका कॉस इनवर्स, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 48 माइनस 15 अपॉन हो जाएगा 65, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये होगा 48 माइनस 15 33 हो जाएगा और ये हो गया 65। तो इस प्रकार हमने LHS सॉल्व किया, और LHS सॉल्व करने के बाद RHS आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च करिए, और फिर सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए, महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।